नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के इस स्पेशल न्यूज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बीजेपी ने 4:1 का रेशियो कैसे बनाया और बीजेपी की जीत के क्या क्या मेजर कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी को 4 राज्यों में जीत मिली और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल किया। उन सभी के कारण की तरफ दोस्तों हम चलेंगे, बीजेपी की जीत के क्या कारण रहे, जबकि बीजेपी के सामने कई सारे मुद्दे थे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, इसके अलावा COVID-19 में भी बीजेपी गवर्नमेंट का काम कुछ ठीक नहीं रहा। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी एक आपको बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल बात की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सीधे फेयर टू फेयर बातें करूंगा, ठीक है। COVID-19 में बीजेपी के क्या चैलेंजेस रहे, कैसे कैसे बीजेपी ने टैकल किया, कुछ अच्छे काम किए, कुछ बेहतर काम नहीं किए। इसके अलावा दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहा। इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम टाइम पर कंडक्ट नहीं हुए, हुए तो उनके रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट आए तो दोस्तों उनकी मेरिट लिस्ट नहीं आई। इस प्रकार से कई सारे चैलेंजेस रहे दोस्तों। इसके अलावा इनकमेंसी देखने को मिली दोस्तों कई राज्यों में। इसके अलावा फार्मर प्रोटेस्ट भी एक मेजर कारण था। इसके अलावा बीजेपी ने 4 राज्यों में कैसे जीत तय की उसका रीजन हम समझेंगे। दोस्तों, द हिंदू के अंदर एक न्यूज आई थी, वेलफेयर रीजनल फैक्टर प्रोवाइडेड बैलेट ब्लास्ट टू बीजेपी, ठीक है। इसके अलावा पार्टी मैटर मोर देन द कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी मैटर करती है। इसके अलावा इन यूपी, उत्तराखंड एंड पंजाब अनलाइक इन गोवा, ठीक है। गोवा को छोड़कर आप अगर यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, यहाँ पर पार्टी मैटर करती है, यहाँ पर पार्टी ने ज्यादा मैटर किया इन कंपैरिजन ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। और गोवा को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, बीजेपी ने 4 राज्यों में विजय हासिल की, 1 में दोस्तों आम आदमी पार्टी को जीत मिली जो कि पंजाब में थी, ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो द हिंदू और CSTS लोक नीति ने एक सर्वे किया, CSTS सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी ने एक पोस्ट पोल सर्वे किया जिसमें ये बताया गया दोस्तों कि बीजेपी के जीत के क्या क्या रीजन रहे, किन वजह से सेंटर की स्कीम, देखिए दोस्तों राज्य जितना बढ़िया काम नहीं कर पाया लेकिन सेंटर ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की जिनकी वजह से बीजेपी को जीत मिली। इसमें नंबर एक रीजन ऑफ विक्ट्री का क्या रीजन रहा, नंबर एक दोस्तों जो रीजन रहा वो वेलफेयर स्कीम रही, जो गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम दी, वेलफेयर स्कीम्स। और इसके अलावा दोस्तों सबसे मेजर कारण यही रहा बीजेपी की जीत का, वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, जो कि उन्होंने लागू किया। इसके अलावा रिलीजियस पोलराइजेशन का खेल भी बीजेपी बहुत बढ़िया से खेलती है। इसके अलावा फ्री राशन 80% लोगों ने माना कि एक बेहतर स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा सब्सिडाइज राशन PDS ये 60% लोगों ने माना। इसके अलावा किसान सम्मान निधि फार्मर हाउस होल्ड ओनली, ठीक है, ये 57% लोगों ने माना। किसान सम्मान निधि को लोगों ने काफी वैल्यू दी और एक अच्छी योजना थी भी जिसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली। उज्ज्वला स्कीम एक काफी बढ़िया स्कीम थी दोस्तों, ठीक है, जो कि 46% लोगों ने माना ये बेहतर स्कीम है। इसके अलावा हेल्थ ट्रीटमेंट जो लोगों को दिया गया, कवर हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया, ये 30% लोगों ने माना कि एक बेहतर स्कीम थी। इसके अलावा दोस्तों जो लोगों के अकाउंट में पैसे, गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीम्स लागू की गई जिसमें लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे थे, वो 27% लोगों ने माना ये बेहतर चीज है। इसके अलावा असिस्टेंट टू बिल्ड हाउस और घर बनाने के लिए जो लोगों को पैसे दिए गए वो उसमें 21% लोगों ने माना कि एक बेहतर स्कीम थी। इसके अलावा वेवर्स ऑफ बिल्स और लोन, कई लोगों के बिल्स माफ कर दिए गए, लोन माफ कर दिया गया, तो ये भी एक बीजेपी की जीत का मेजर फैक्टर रहा जो कि 17% लोगों ने माना। इसके अलावा फ्री चीप इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो था वो बहुत कम किया गया, इलेक्ट्रिसिटी कई जगह तो फ्री की गई जिसकी वजह से बीजेपी की जीत का ये भी एक मेजर फैक्टर रहा, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मैरिज में शादियों में जो खर्चा होता है वो भी गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को खर्चा दिया जो कि निचले तबके से आते हैं, जो कि ST/ST जैसे तबके से आते हैं, उनको भी ये 15% लोगों ने ये माना। तो ये बीजेपी के जीत का अहम फैक्टर रहा दोस्तों, जहां जहां बीजेपी ने जीत हासिल की और बीजेपी ने 4:1 का रेशियो बनाया, 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की 5 में से और 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया AAP आम आदमी पार्टी ने विजय हासिल की। तो यही कुछ रीजन था दोस्तों जिसकी वजह से बीजेपी ने जीत हासिल की, तो इन रीजन को आप समझ सकते हैं, यही मेजर रीजन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा कि बीजेपी की जीत के क्या कारण रहे, जबकि बीजेपी की कुछ नीतियां ठीक नहीं थी इसके बावजूद भी बीजेपी ने बिल्कुल अच्छी तरह से जीत हासिल किया और डोमिनेंस किया, ठीक है। तो इन नीतियों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से बीजेपी ने जीत हासिल की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह करंट एपिसोड का यह वीडियो बेहतर लगा होगा, बेहतर लगा हो वीडियो तो फिर वीडियो को शेयर करें मैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लाइक करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।